गुड मॉर्निंग एंड व्हाट्सअप गाइस, वेलकम करता आप सभी लोग फ्री फायर की एक और एक्साइटिंग वीडियो में। तो पहले आपसे एक बताया कि हम लोग के यहाँ से ओबी 19 के रिगार्डिंग आपको बहुत सारा अपडेट्स है, बहुत सारा लीक्स देखने के लिए मिल गई होगी। और आपसे एक बताया कि यहाँ से हम लोग का जो मैप है, मैप को भी चेंजिंग किया जाएगा और यहाँ से हम लोग न्यू मैप आने की संभावना है फुल्ली है। तो फाइनली मेरे को जो उसका ट्रेलर है जो एनिमेशन के तौर पर बनाया जाता है, यानी कि उन लोगों की टेस्टिंग के लिए, तो फाइनली मेरे को जो वो चीज़ है वो मेरे को फाइनली मिल चुका है यहाँ से गेम के अंदर, यानी गेम के अंदर नहीं, मेरे को जो वीडियो है वो वीडियो मिल चुका है। तो हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले कि आपको जो नेक्स्ट मैप वो किस तरीके से दिखने वाले, हालांकि वो एक एनिमेटेड वीडियो है बट आपको उस डिज़ाइन का, उस टाइप का आपको जो मैप है गेम के अंदर देखने के लिए मिलेगा और उसका जो ग्राफिक्स है उसमें आपको चेंजिंग मिलेगी। तो गाइस कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था ओबी 19 के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने टॉप 10 यानी कि अपडेट जो अपकमिंग अपडेट्स आने वाला है, कि आपको 10 जो कौन कौन से अपडेट्स आने वाला है उसमें मैंने टोटल चीज़ बता के रखा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आई बटन पर मैं वो वीडियो दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। ओबी 19 के रिगार्डिंग जितना भी अपडेट्स अपकमिंग अपडेट्स हैं मैंने टोटल आपको वहाँ पर से मैंशन कर रखा, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी वो। तो उससे पहले बता दें, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं फ्री फायर गेम से रिलेटेड जितना भी अपडेट्स या फिर जो भी इवेंट होते हैं या फिर कोई भी अपकमिंग अपडेट्स होते हैं मैं आप लोगों को डिटेल्स के साथ बताता रहता हूँ। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले बात करें हम लोग यहाँ से डीजे आलोक की, कि डीजे आलोक जो हम लोग का उसका कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर जो है हम लोग कैरेक्टर सेक्शन में आ चुका है। फाइनली आप देख चुके हैं ऑलरेडी कि हम लोग कैरेक्टर सेक्शन में जो है डीजे आलोक आ चुका है। तो उसका एबिलिटी आप लोग रीड कर लिए होंगे, ऑलरेडी रीड कर लिए होंगे और उसको मतलब आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसका जो मूवमेंट से रिलेटेड, यानी कि डीजे आलोक जो है कि बहुत ही फेमस डीजे मिक्सर, आप जो भी बोल सकते हैं डीजे आलोक, यानी कि वो डीजे आलोक नाम डीजे उसका इसलिए लगा है, आलोक तो एक पर्सन का नाम है बट डीजे मतलब कोई आइटम से जिसको जिस मतलब जो उसके लिए फेमस है, जिसका यूज वो बराबर करता है। तो डीजे को मिक्सिंग करता है, जिसे आप मिक्सर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो परफेक्टली और बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेता है, इसलिए वह उसका नाम जो पड़ गया वो डीजे आलोक पड़ गया नाम। और हालांकि उसकी स्टोरी जो है बहुत ही ज़्यादा है, बट इसका जो स्किल है उसमें तो आपको मतलब जितना भी आगे का स्किल हो तो समझ में आ ही गया। और उसके बाद इसमें इसका जो पर्सनल स्किल दिया गया, क्या स्किल दिया गया है भाई, कि 5 सेकंड के लिए आपको 5 HP जो है एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। 5 सेकंड के लिए आपको जो HP है, 5 HP आपको 5 सेकंड के लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा, फिर वो 5 सेकंड के बाद फिर से वो जितना आपका पहले था उतना आ जाएगा वहाँ पर से, मतलब आपके मोमेंट के हिसाब से, जिस टाइप का आपका मोमेंट रहेगा उसके हिसाब से आपका HP जो है 5% ज़्यादा होगा, और उसके बाद फिर से 5 सेकंड के बाद फिर से वापस चल जाएगा। जिससे हम लोग यहाँ पर से रफेल का स्किल अगर यूज़ करते हैं तो बंदे को हम लोग साइलेंटली विदाउट साइलेंसर का साइलेंटली मार सकते हैं, हम लोग का जो लोकेशन है वो मैप के अंदर नहीं दिखता है, सेम टू सेम इसका भी उसी तरह से काम है, बट 5 सेकंड कुछ कम लग रहा है। यहाँ से साइलेंसर अगर हम लोग यूज़ करते हैं, सिंपली टैप करते हैं, तो 5 सेकंड तक आपको जो लोकेशन है वो लास्ट में 8 सेकंड तक जाता है, लेकिन आपका अगर स्किल ज़्यादा अपग्रेड रहे तो उसके हिसाब से तो मैप में आपको जो लोकेशन है वो कहीं पर भी नहीं दिखेगा, और 5 सेकंड तक आप बंदे को विदाउट साइलेंसर का किल कर सकते हैं, विदाउट शो आपका जो क्या बोलते हैं उसको लोकेशन विदाउट शो किए, तो वो उसका स्किल बहुत सेम टू सेम इसका भी स्किल है, कि मोमेंट के हिसाब से जिस हिसाब का आपका मोमेंट होगा उसके हिसाब से आपका HP है वो 5 HP प्लस करेगा आपका सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के लिए, फिर से वो वापस उतना में आ जाएगा। तो यहाँ से होगी इसकी बात। और कुछ लोग बोला था भाई यहाँ पर से आप सोच रहे होंगे भाई यहाँ पर से कैरेक्टर हम लोग का आ चुका है, बट ये कैरेक्टर हम लोग को मिल क्यों नहीं रहा है, कहाँ से मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा। तो गाइस आप सभी को पता है कि हम लोग के गेम के अंदर जो भी न्यू कैरेक्टर आता है, जो भी न्यू बंडल आता है, कोई भी न्यू गेम के अंदर जो भी न्यू आइटम्स आता है ना, तो उसका जो भी आइटम्स आता है फर्स्ट में वो टॉप ऑफ सेक्शन पे ही आता है, एक इवेंट को तौर पे आपको देता है, जिसमें आपको इवेंट चैलेंजेस कंप्लीट करना पड़ता है उससे आपको मिलता है, या फिर ज़्यादातर 100% में 95% जो है इस टाइप का जो भी चीज़ आता है तो उससे आपको टॉप ऑफ इवेंट पे दे देगा। सिंपल ये बोलेगा भाई 150 का डायमंड ले लो आपको ये चीज़ फ्री में दे दूँगा, तो 250 का डायमंड ले लो आपको ये चीज़ फ्री में दे दूँगा, 500 डायमंड ले लो आपको ये फ्री में दे दूँगा, 1000 डायमंड ले लो आपको ये फ्री में दे दूँगा। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर से देखने के लिए मिल जाएगी, और यहाँ से कैरेक्टर जो आपको मतलब कैरेक्टर स्किल स्लॉट आ गया है, कैरेक्टर जो है वो आपका आ चुका है यहाँ पर से, और उसका जो मतलब मेन चीज़ है यानी कि उसका जो स्लॉट आप बोल सकते हैं, स्लॉट तो उसका बन चुका है ना हम लोग कैरेक्टर सेक्शन में जाके, तो कैरेक्टर सेक्शन में तो आ चुका है, बट रियल में कब आएगा ये कन्फर्म नहीं है, बट मेरे को जहाँ तक लगता है बहुत ही जल्द, क्योंकि लॉबी हो गई हम लोग हर चीज़ जितने का भी टोटल लगभग जितना भी चीज़ है वो एक्सपो आइलैंड, उसके बाद हम लोग के जो फ्लाइट है वो ये सब चीज़ टोटल चीज़ वहाँ से हम लोग चेंज हो गया है। तो यहाँ से आपको जो डीजे आलोक का कैरेक्टर है वो आपको बहुत ही गेम के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा।
उसके बाद इसकी बात कर ली सिक्स स्लॉट की, तो बट एक हिसाब से ये बहुत ही अच्छा खासा है। ये सिर्फ और सिर्फ आप एक सिंपल से शो के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें आपको कोई भी स्किल स्लॉट देखने के लिए नहीं मिलती है। अगर आप सही से रीड करते हैं तो वहाँ पर से बताया जा रहा है कि इसमें आप कोई भी एक्स्ट्रा स्किल स्लॉट ऐड नहीं कर सकते हैं। फिर अगर आप वहाँ पर कैरेक्टर सेक्शन पर जाते भी हैं तो वहाँ से आपको सिंपल स्किल स्लॉट दिखता है, वहाँ पर सिंपल ओनली वन एक ही स्किल स्लॉट दिखता है, उसके अलावा दूसरा स्किल स्लॉट वहाँ पर से नहीं दिखता है। तो यहाँ पर जहाँ तक मैंने रेड किया तो वहाँ पर लिखा हुआ आप एक्स्ट्रा में कोई भी कैरेक्टर को इसमें इसके किसी भी कैरेक्टर की स्किल जो है इसमें आप ऐड नहीं कर सकते हैं। भाई स्किल स्लॉट जब दिया ही नहीं तो आप घंटा उसमें ऐड करोगे दूसरा कैरेक्टर की स्किल। तो फाइनली ये थी डीजे आलोक की बात, तो मैंने आपको बता दिया। तो कमेंट में बता देना आपको कैसा लगा डीजे आलोक का जो कैरेक्टर है, आप लोग रीड किए होंगे वहाँ आपको कैसा लगा, साथ में साथ इस वॉलेट जो आप देखा उसका वो आपको कैसा लगा, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा भाई कि आपको इस वॉलेट है वो आपको देखने में कैसा लगा। उसके बाद हम लोग बात करें से नेक्स्ट अपडेट्स की, तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है जो चार हम लोग न्यू बंडल आए थे जो हम लोग रैंक टोकन में आने वाली बात थी, तो फाइनली उसका न्यूज आ चुका है कि हम लोग जो यहाँ पर से बंडल है ये बहुत ही ज़्यादा आपको गेम के अंदर देखने के लिए मिलेगा, वो इवेंट में देगा या फिर मतलब रैंक टोकन में देगा इट्स नॉट कन्फर्म। बट पहले जो आया था ना वो बताया जा रहा था कि आपको रैंक टोकन में ही देखने के लिए मिलेगा, बट बाद में न्यूज़ आ रही है कि ये आपको किसी इवेंट के दौरान जैसे RIO का जो हम लोग के यहाँ पर इवेंट आने वाला है जो हम लोग चलने वाला है इंडिया में, तो इसका जो हम लोग का इवेंट है इसमें भी आपको एक इवेंट नहीं, इसमें भी आपको बहुत सारे इवेंट देखने मिलेगा। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ सिंपली आपको एक इवेंट देखने मिलेगा, तो इसमें आपको एक इवेंट नहीं, इसमें भी आपको बहुत सारे इवेंट देखने मिलेगा। जैसे आपको कुछ मतलब सोच सकते हैं आपको कुछ चैलेंजेस देगा उसे कंप्लीट करना होगा। जैसे इससे पहले आप हम लोग इंडिया का जो आया था ना वो भाई क्या बोलते हैं उसको यार FFWC फ्री फायर वर्ल्ड कप, तो उसमें हम लोग जो चेयर आया था ना वो थ्रोन इमोट वाला जो सबका फेवरेट है जो सबको लोग लेना चाहता है वो वाला इमोट जाया था ना, उसी टाइप कुछ हो सकता है आपको यहाँ पर इमोट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप इमोट सेक्शन पर जाते हैं तो वहाँ पर इमोट आप जाकर देख सकते हैं कि वहाँ से हम लोग डीजे आलोक वाला इमोट है वो भी वहाँ पर से इनेबल कर दिया गया, वहाँ से ऐड कर दिया गया। साथ ही साथ आपको यहाँ पर इमोट भी आपको टॉप अप के टाइप में देखने के लिए मिलेगी, या फिर आपको जो इंस्टा जो हम लोग इवेंट आने वाला है RIO का उसमें भी आपको कुछ इमोट्स देखने के लिए मिल सकता है, कुछ तो नहीं जरूर है कि एक इमोट देगा। और साथ साथ आपको जो न्यू बंडल है इन सब चीज़ आपको यहाँ से दे दिया जाएगा। उसके बाद जो हम लोग डीजे आलोक का बंडल है उसमें भी आपको इन सब इवेंट के दौरान ही उसका डीजे आलोक का जो बंडल है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग कमेंट में बताएं डीजे आलोक का जो बंडल है आप लोग देखे होंगे तो आपको देखने में कैसा लगा। मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब उसका जो ड्रेस है कॉम्बिनेशन है बहुत ही गजब का और बहुत ही स्टाइलिश है, तो मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है। आप लोग कमेंट बताना कि डीजे आलोक का जो बंडल है वो आपको कैसा लगा देखने में। उसके बाद कल हम लोग यहाँ से नेक्स्ट अपडेट की जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही बड़ी अपडेट है, बहुत ही बिग अपडेट है। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे मैप की, उससे पहले बताते हैं हम लोग साउंड सिस्टम की। तो कल मैंने साउंड सिस्टम के बारे में बात कर रखा था, हो सकता है इसमें से आप लोग न्यू व्यूवर से तो आई बटन पर आकर वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट फिर हमको आपको थोड़ा सा बताते हैं साउंड सिस्टम यानी कि अगर आपके सामने एनिमी रहेगा तो आपका जो कैरेक्टर वो बोलेगा एनिमी जो हेड मतलब आपके एनिमी आपके आगे है, या फिर अगर हेडशॉट पड़ेगा तो हेडशॉट में, अगर आपके दोस्त को डैमेज पड़ेगा डैमेज में, या फिर बुया होगा तो वो बोलेगा बुया, मतलब जो भी है कैरेक्टर मोमेंट के हिसाब से वो टोटल जो आपको बात को यहाँ से बताएगा साउंड के द्वारा। तो ये साउंड सिस्टम जो यहाँ पर से इनेबल कर दिया जाएगा जो बोरिंग गेम को बहुत ही रोमांटिक मतलब इंटरेस्टिंग बना देगा भाई, ऐसा सॉरी भाई मतलब जो हम लोग सिंपल गेम प्ले करते हैं उसमें कुछ भी साउंड वाउंड नहीं रहता ना, सिंपल सा अपन जो बात करते हैं उतना सही रहता है, बट वहाँ पर आपको साउंड सिस्टम मिल जाए जो मतलब आपका जो ये है कैरेक्टर सब चीज़ बताएगा, आपका आगे एनिमी है ड्रॉप है जो भी है सब से आपको वहाँ से बताता रहेगा, आपको सजेस्ट करता रहेगा। उस बात करें हम लोग यहाँ से नेक्स्ट अपडेट की जो है मेन टॉपिक हम लोगों का, तो यहाँ से मेन टॉपिक आती है यहाँ से हम लोग न्यू मैप को लेकर कि आपको जो गेम के अंदर न्यू मैप देखने के लिए मिलेगा वो कैसा मिलेगा और आपको किस टाइप का मिलेगा। तो फाइनली मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर से आप वीडियो, आप पहले यहाँ से पूरी वीडियो देख लीजिए उसको मैं आपको आगे चल के बात बताऊँगा। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
सो गाइज आप देख चुके हैं यहाँ से हम लोग का जो वीडियो है उस पर आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि एक एनिमेटेड वीडियो है जिसके रिगार्डिंग आपको मैप देखने को मिल सकती है गेम के, जैसे बर्फ टाइप का या फिर कुछ टाइप का, इस टाइप का मैं आपको देखने मिलेगा। और साथ ही साथ मैप में कुछ चेंजिंग्स किया जाएगा इधर उधर का, मतलब कुछ अपडेट्स किया जाएगा, जो उसमें न्यू आइटम्स जो ऐड किया जाएगा मैप के अंदर। तो यहाँ पर से मैंने आपको ट्रेलर दिखाया, वो मेरे को क्लिप्स मिली है, तो मैंने सोचा आप लोगों से इस बात को शेयर कर दूं कि हम लोग गेम के अंदर जो न्यू मैप आने वाला है उसका काम क्या होगा, वो किस तरीके से वर्क करेगा। मतलब हालांकि देखने में तो वो बिल्कुल एनिमेटेड है, आपको खुद समझ में आ गया होगा कि एनिमेटेड है, बस उसका लुक जो है थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आपको मतलब बताया जा रहा है कि यहाँ पर से ग्राफिक्स में चेंजिंग किया जाएगा। तो हो सकता है ग्राफिक्स में ही चेंजिंग कर दे या फिर मैप बिल्कुल नया मैप दे दें, बट मेरे को जहाँ तक पता है वो गरेना गेम को न्यू मैप दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर दिसंबर में जो न्यू मैप देने की बात थी। अगर न्यू मैप नहीं भी देना तो तगड़ा वाला ग्राफिक्स दे दे भाई, तगड़ा वाला, जैसे मैंने दिखाया आपको वहाँ पर से स्टार्टिंग में, यानी अभी जो मैंने ट्रेलर दिखाया आपको जो एक एनिमेटेड वीडियो है, उस टाइप का यहाँ से अगर हम लोग ग्राफिक्स दे देना गेम के अंदर एक मैप के अंदर, तो कतई जहर वाली बात हो जाएगी भाई। मतलब बहुत ही धांसू लगे देखने में, बट वो कार्टूनिस्टिक नहीं देना चाहिए, मतलब जो एनिमेटेड है ना उस टाइप का नहीं देना चाहिए, रियलिस्टिक टाइप का होना चाहिए, जैसे अभी हम लोग गेम के अंदर है। तो फाइनली ये थी आज की अपडेट, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।